आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। एसएफटी फाइलिंग पर आयकर विभाग का सेमिनार। जी हां, आयकर विभाग की ओर से आयकर भवन सिविल लाइन मुरादाबाद में वित्तीय लेन देन ब्यूरो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के संबंध में संगोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी का शुभारंभ युद्धवीर सिंह संयुक्त आयकर आयुक्त परिक्षेत्र प्रथम मुरादाबाद की अध्यक्षता में हुआ। इस गोष्ठी में मुरादाबाद मंडल के होटल, बैंकेट हॉल, मैरिज लॉन इत्यादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी प्रतिनिधियों को समय सीमा में त्रुटि मुक्त स्टेटमेंट फाइल करने का बल दिया गया। आयकर अधिकारी बास सूचना एवं आपराधिक अन्वेक्षण के अमृत कुमार चौधरी ने गोष्ठी में वित्तीय लेन देन ब्यूरो के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पूर्ववार्षिक सूचना रिपोर्ट AIR के स्थान पर अब सभी फाइलें को SFT फाइल करना होगा। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी ग्राहकों को पैन अवश्य सुनिश्चित करें। वहीं चौधरी ने यह भी बताया कि इस प्रकार की SFT सूचना व केवल आयकर विभाग की वेबसाइट IncomeTaxIndiaFiling.government.in पर ऑनलाइन की फाइल की जाएगी। उसके करस्पोंडिंग भी बहुत कम है, तो इसलिए ये जो है जगह जगह ये जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि ये सूचनाएं जो है विभाग तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। जो उसका आगे जो नेसेसरी एक्शन है या उस पर लिया जाना है वो विभाग टाइम से दे पाए, इसलिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो अमेंडमेंट करे गए थे 285BA में, उसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, उन ट्रांजेक्शनों की संख्या जो है 13 है। 13 में से बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपके मतलब के नहीं हैं, जो ज़्यादातर बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कैश चेक बनाना, कैश ड्राफ्ट बनाना, इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करना और कोई FDR बनाना, ये ज़्यादातर बैंक से आप लोगों से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो जो है इस सेक्शन में 11 सीरियल नंबर में दिया गया है। उसके अंदर रिसीट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग 2 lakh rupees फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन 1-10 ऑफ दिस रूल। जो रूल है हमारा 114, इसके लिए एक रूल भी बनाया गया 114E ऑफ इनकम टैक्स रूल, इसके अधीन ही जो है सारी सूचनाएं जो है आपको देनी है। किस तरह से विभाग तक वो सूचनाएं पहुंचेंगी इस रूल के अंतर्गत ये बताया गया है। तो यदि जैसे होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे आदमी आते हैं, शादियां भी होती हैं, कई तरह के फंक्शंस भी होते हैं, उसमें यदि कोई आपको कोई आदमी 2 lakh rupees से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करता है आपके साथ नगद में, तो उस आदमी की पूरी डिटेल आपको लेनी है, पैन कार्ड लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट है उसका पैन कार्ड लेना है। यदि वो कहता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो उससे जो है फॉर्म 60 भरवा के लेना है पूरा का पूरा, और उसके बाद उसकी पूरी सूचना जितना उसने जितने रुपए का ट्रांजेक्शन करा है उसको एक फॉर्म द्वारा विभाग के पास भेजना है, जो फॉर्म है 61A। 61A के वैसे 4 पार्ट है, आपके लिए 2 पार्ट इम्पोर्टेंट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में तो आप अपनी सूचनाएं दे देंगे कि आपका जो भी सूचना है आपसे रिलेटेड, नाम, पैन नंबर और ये सारी चीजें, एड्रेस वगैरह, और पार्ट बी में जो है आप पूरे ट्रांजेक्शन की डिटेल देंगे, किस आदमी ने वो ट्रांजेक्शन की है, कितने की करी है और किस डेट में करी है। ये फॉर्म जो है एनुअली आता है, साल में एक बार भरा जाना है, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के ट्रांजेक्शन की जो भी डिटेल है जो फॉर्म में हमें सबमिट करनी है वो 31 मई तक आ जानी चाहिए अगले साल। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो भी इस तरह की ट्रांजेक्शन हुई है 2 lakh से ऊपर की नगद की, तो वो सारी सूचनाएं जो है विभाग के पास 31 मई तक आ जानी चाहिए। यदि ये नहीं आती है तो मेरे ख्याल ₹500 पर डे का डिफॉल्ट का पार्ट है इसके अंदर। अगर आपकी सूचना एक दिन भी लेट होती है तो ₹500 का जुर्माना है इसमें, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो ₹500 उसका ऐड होते चले जाएंगे।